शिक्षा ग्रहण की है और सेवा के दौरान IIM रांची से MBA भी किया है और 45 साल की उम्र में इन्हें स्वर्ण पदक के साथ सर्वश्रेष्ठ आउटगोइंग छात्र के रूप में भी सम्मानित किया गया। आज इन्होंने अपना करियर बिहार और झारखंड सरकार में वित्त अधिकारी के रूप में शुरू किया और विभिन्न पदों पर 21 वर्षों तक सेवा करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली और आज हम लोगों के बीच में है। निश्चित रूप से अपने विचार हम लोगों के बीच में रखेंगे। राजीव गुप्ता जी, ताली एक बार बजाइए। और उन्होंने तो कानून बनवा ली, सिद्धू कानू चांद भैरव ने कानून बनवा ली कि यहाँ की जमीन किसी की खरीद बिक्री नहीं हो सकती है जब तक कि खतियान में नहीं लिखा रहेगा कि इस जमीन की बिक्री हो सकती है। बताइए, 1872 ईस्वी में लिखवा लिया उन्होंने। उसी तरह हमारा भुइयारी और मुंडारी फुटकटी है और इसमें क्या है, जो जंगल का जमीन साफ करके गांव बसाया है वो वहां का मूल आदमी है, वहां का मूल है, वही पहान है, वही मुंडा है, वही महतो है। कितनी बड़ी बात है। और उसी पर उन्होंने कर दिया कि इसमें कुछ सामूहिक जमीन रहेगी और कुछ पर्सनल जमीन रहेगी। सामूहिक में आपका अखरा, सरना, जाहेर, भूत खेत, डली कटारी, झखरा पत्रा, बहुत सारा नाम है, देवी स्थान, बहुत सारा नाम है। आप लोग तो सब अब धीरे धीरे याद आना चाहिए नाम अपने अपने गांव में, जो सार्वजनिक है, जिसकी खरीद बिक्री नहीं हो सकती। ये हमारी झारखंडीयता की निशान है, क्योंकि सामूहिक जमीन है, ये किसी की मिल्कियत नहीं। दिया गया अंग्रेजों से, यही सब चीज हमारे खतियान में लिखा हुआ है। खाता प्लॉट नंबर हमें नहीं पता था, लेकिन हमारा एक एक जमीन जो तोड़ करके बनाया हुआ था उसका हमने नाम दिया, तेतर दोय, जामुन टायर। आपका खेत का नाम आपको याद रहेगा, लेकिन प्लॉट नंबर भले आप भूल जाइएगा। यही हमारी झारखंडीयता है, क्योंकि जल जंगल जमीन तो जंगल में पेड़ को इज्जत करना है ना, और पेड़ मेरे में सरना में और जाहिर में पेड़ का ही हम पूजा करते हैं। हमारा जो आराध्य है वो पेड़ में रहता है, वो किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च में ताला लगाकर बंद नहीं है, पेड़ में बैठा हुआ है। ये चीज समझना होता है, यही झारखंडीयता है। इसीलिए हम कहते हैं 32 का खतियान झारखंड का पहचान, क्योंकि उसी खतियान में यह भी लिखा हुआ है कि गैर मजरुआ जमीन को आबाद करने का हक किसका है। वो खतियान में लिखा हुआ है, तोड़कर करके कर सकते हैं, हम अपना खेत बना सकते हैं, जमींदार से पूछ के 1947 के पहले, 1947 के बाद जमींदार से नहीं, DC साहब से पूछ के, मेरा अधिकार लिखा हुआ है गैर मजरुआ जमीन को आबाद करने का। अभी सरकार आई रघुवर जी थी, वो पूरा जितना गैर मजरुआ था उसको लैंड बैंक में डाल दिए। अरे भाई, बहुत लोग पूछा हमसे कि वकील साहब बैंक में तो रुपया पैसा डालते हैं, जमीन तो कैसे डाल दिया, ये तो हमारे गैर मजरुआ है नहीं। गैर मजरुआ सरकारी जमीन आप लोग सोचते हैं ना, दो शब्द है गैर मजरुआ, गैर फारसी शब्द है, गैर मैंने दूसरे हमारा नहीं है, मजरुआ मैंने खेती जिसमें किया जाता है, जिसमें हम खेती करते हैं, गैर मजरुआ जिसमें खेती नहीं करते हैं, सॉरी खेती नहीं करते हैं गैर मजरुआ, और यदि खेती करते हैं तो मजरुआ। उसी को दोन टाण एक नंबर दो नंबर क्या क्या नाम आप लोग दिए हुए हैं। ये सारा बात मिलाकर हमारी झारखंडीयता है। और उसी खतियान में भी लिखा हुआ है कि यदि आपके खेत का मेड़ में पेड़ लगा हुआ है, उसी से आपका खेत का नाम है, तो पेड़ मेड़ में लगा
लकड़ी मिलेगा आपको। ये चीज को समझने के लिए हम लोग बोले कि 32 का खतियान झारखंड का पहचान, क्योंकि खतियान में हमारा सारा झारखंडीयता लिखा हुआ है। अब 32 क्यों? अंत में आप लोग को सुनाते हैं 32 क्यों। जब बातचीत हो रही थी तो 32 का बात हुआ कि भाई खतियान तो कहीं 1910 का है, कहीं 1922 का है, कहीं 1932 34 35 का है। अब उधर से पुल जाते जाते 64 हो जाता है, अभी लोहरदगा जाते जाते 94 हो जाता है, लातेहार जाते जाते 2004 हो जाता है। बड़ा चक्कर है, 32 को क्यों कर दिया, बाकी लोग का क्या होगा। हम लोग जब बना रहे थे स्लोगन तो हम लोग सोचे कि आजसू के जवान लड़कों के लिए है ना, उनका 32 ही तो बहुत सुंदर लगता है दिखने में, और जब नाराज हो जाते हैं तो 32 ही को झाड़ भी सकते हैं हम लोग। तो क्यों हम बोले कि 31 का खतियान, 1910 का खतियान, 1994 का खतियान? अरे जवान लोग को बताना है ना, स्लोगन है ना, ये कोई लाइन नहीं खींचा हुआ है जैसे असम में खींचा हुआ है कि उसके बाद आप हट जाइए, इसके बाद आप मत आइए। ये थोड़ी हम बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि रीति रिवाज परंपरा हमारा खतियान, हमारी स्थानीयता, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान है। कानून बनाइए मन से, और यदि आप खतियान को मान लेते हैं, 32 का खतियान झारखंड का पहचान, सुनने में भी अच्छा लगता है ना। हम यदि बोलते 35 का खतियान गड़बड़ हो जा रहा है ना, 32 का खतियान झारखंड का पहचान, एकदम बंदूक का गोली जैसा चल रहा है। इसीलिए हम लोग उसका उस तरह से बनाए। तो ये पहचान की बात है, जैसे मेरा पहचान है रश्मि कात्यायन। लोग हमें पूरे झारखंड में खतियान सर बोलते हैं, क्योंकि हम इतना खतियान के बारे में बात करते हैं कि कात्यायन के बदले खतियान बोलते हैं, लेकिन मेरी पहचान है ना, रश्मि भी मेरी पहचान है ना। बहुत सोच रहे होंगे कि नाम तो कैसा है, आदमी कौन आ गया, लेकिन मेरा पहचान है ना। तो झारखंड का पहचान 32 का खतियान, और खतियान को पूरा आपको समझना होगा, और जो उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि जमशेदपुर क्या होगा, कोल्हान क्या होगा, उनको समझाना होगा कि अरे पहले आपका क्या होगा, उसको तो आप समझिए, हम लोग को जो करना होगा कर ही रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। निश्चित रूप से खाद्यान्न के जगह खाद्यान्नी करना ज़्यादा बेहतर है। अच्छे विचार रखने के लिए हम लोग दिल से इनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। अब हम लोगों के बीच में सम्मानित राजीव गुप्ता जी हैं, जिनका परिचय है कि भूतपूर्व अधिकारी भी है और टेडेक्स स्पीकर है।